वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों सभी ईपीएफ अकाउंट्स होल्डर के अकाउंट में उनका पीएफ का इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया गया है। दोस्तों क्या आपने अपने अकाउंट चेक किया? अगर आपने ये नहीं पता कि आपको ये कहाँ से चेक करना होगा और आपको इंटरेस्ट कब से कब किस डेट तक का आपके पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आपके पीएफ का इंटरेस्ट कैसे चेक करेंगे। अगर आप लैपटॉप से यूज कर रहे हैं तो आपको प्रोसेस बताएंगे, और अपने फोन से आप कैसे चेक कर सकते हैं कि इंटरेस्ट आपको कहाँ से होगा और आपका कितना इंटरेस्ट आया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट और है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, आगे इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स अपने सर्च बार में यहाँ टाइप करेंगे नॉर्मली पीएफ पासबुक, पीएफ पासबुक टाइप करने का इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा ईपीएफ मेंबर पीएफ एंड क्लेम स्टेटस। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पे अपना यूएन नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के जो आपको इसका कैप्चा का रिजल्ट हो रहा है इसको आप लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करने से पहले आपको एक जानकारी दे देता हूँ, बहुत से लोगों की ये पासबुक ओपन नहीं होगी तो आप कैसे क्या करना होगा। अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, अपने फोन को डेस्कटॉप मोड में एक्टिव नहीं करना है। ध्यान रखना, फोन को डेस्कटॉप मोड पे एक्टिव नहीं करना है। यहाँ पे 3 डॉट्स होते हैं फोन में, आप इसको अगर डेस्कटॉप मोड में एक्टिव कर देंगे तो ये प्रोफाइल आपके खुलकर नहीं आएगी। आपको क्या करना है, डेस्कटॉप मोड में एक्टिव नहीं करना है। तो फ्रेंड जैसे ही आपका अकाउंट लॉग इन होकर आएगा आपको यहाँ आएगा सिलेक्ट मेंबर आईडी, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करता होगा। अगर आपके सामने एक मेंबर आईडी शो हो रही है तो आपकी एक कंपनी में जॉब करते हैं तो आपकी एक मेंबर आईडी शो होगी। अगर आप 2 या 3 कंपनी में जॉब कर चुके हैं तो आपको जो प्रेजेंट कंपनी होगी उसका आपको चेक करना होगा। यहाँ पे आपके अगर 3 कंपनी शो होती हैं तो आपको जो प्रेजेंट कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसको आप मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे, और मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप फ्रेंड्स इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन शो होते होंगे, व्यू पासबुक ये ईयरली शो दिखाएगा, और व्यू क्लेम यहाँ पे आपको क्लेम दिखाएगा। अगर आपने कोई क्लेम किया है अपने पीएफ अकाउंट के लिए और रिजेक्ट हुआ है या सेटल हुआ है तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करेंगे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आएगा आपको व्यू पासबुक ओल्ड, ये फुल वाला होगा, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जिसमें आपकी फुल डिटेल्स होगी। आपको जिस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फ्रेंड जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे आपको सारा पैसा दिखाएगा, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट का पैसा दिखाएगा। तो आपको देखना क्या होगा, जहां भी आपको लिखा होगा INT, ठीक है ना, इस टाइप का लिखा होगा INT अपडेट अप टू 31/3/2022, तो INT जहां भी लिखा होगा वो आपका इंटरेस्ट को शो करेगा, आपका इंटरेस्ट का पैसा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेस्ट का पैसा कितना आया, 13,014 रुपए इनका इंटरेस्ट आया, किसका, पीएफ का आया है, जो एम्प्लॉई का शेयर है जो आपके अकाउंट से क्रेडिट करता है 12% बेसिक सैलरी का, और ये जो है जो कंपनी के शेयर का कटता है 8.33% वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको किसमें होगा, जो आपका एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर शेयर होता है उसी को आपका पीएफ का इंटरेस्ट मिलेगा। आपको यहाँ पे देखो पेंशन का 0-0 दिखा रहा है, मतलब पेंशन में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपका पीएफ का ही इंटरेस्ट मिलता है। अब ये आपका पीएफ कब से कब तक का आया है, किस तारीख को क्रिएट किया है, तो इन्होंने क्रिएट किया है तो 6 नवंबर 2022 को इन्हें क्रिएट किया है आपके अकाउंट में। कब से कब तक का किया इन्होंने, ये 31/3/2022 तक का किया है, लिखा है ना इंटरेस्ट अपडेट अप टू 31/3/2022 तक का, जो आपका 31/22/2 तक का जो भी आपका पीएफ का इंटरेस्ट था वो आपका अकाउंट में क्रिएट कर दिया है। तो आप भी अपना चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करने में कोई भी परेशानी होती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।